सरदार को मैंने घुमाई है। इससे अच्छी श्रद्धांजलि दूसरी नहीं हो सकती। जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता और उनकी प्रेरणा से गुजरात की सरकार स्टैचू ऑफ यूनिटी के माध्यम से सरदार साहब के संपूर्ण कृतित्व को जीवंतता प्रदान करते हुए दुनिया के सामने रखी। वर्ल्ड क्लास टूरिस्ट स्पॉट के रूप में जिस रूप में से विकसित किया गया है, 1960 में सरदार सरोवर किस डैम का शिलान्यास हुआ था, तमाम लोग आए गए, लेकिन पहले मुख्यमंत्री के रूप में और बाद में प्रधानमंत्री के रूप में इस डैम को स्वीकृति दे करके संपूर्ण गुजरात वासियों को विशुद्ध मीठा जल उपलब्ध कराने, यहाँ के खेतों में सिंचाई के लिए प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध कराने, यहाँ की टेंट सिटी, वैली ऑफ फ्लावर, म्यूजियम और सरदार साहब की स्टेचू, ये सब अद्भुत है, अत्यंत प्रेरणादायी है। स्टेचू ऑफ यूनिटी सरदार साहब के व्यक्तित्व के अनुरूप यहाँ पर स्थापित किया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी की। यह एक दूरदर्शिता और प्रखर राष्ट्रभक्ति का ये जीवंत उदाहरण है। मुझे लगता है कि पूरे देश के लिए प्रेरणादायी है, पूरी दुनिया के लिए प्रेरणादायी है। मैं इसीलिए आज विशेष रूप से यहाँ पर इन सब चीज़ों का अवलोकन करने, इन्हें देखने और सरदार साहब के व्यक्तित्व के अनुरूप दुनिया की सबसे बड़ी स्टैचू आखिर किस रूप में प्रेरणादायी हो सकती है, इन्हीं सब कार्यों को स्वयं उसका साक्षी बनने के लिए आज मैं यहाँ पर आया हूँ। मैंने पहले भी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी को एक प्रस्ताव दिया है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, एक भारत श्रेष्ठ भारत के बारे में सदैव इस बात पर जोर देते हैं और इससे यह पर्यटन का एक नया तीर्थ बन गया है। देश के अंदर अनेक तीर्थ हैं, वे धार्मिक देश से आने वाले श्रद्धालुओं की देश से हो सकते हैं, लेकिन भारत के पर्यटन की देश से आधुनिक भारत की शिल्पी किस विशाल स्टैचू और उसके आसपास के क्षेत्र को जिस रूप में विकसित किया गया है, इसको देखते हुए यहाँ पर पूरे देश के अलग अलग स्टेट्स के अपने अपने प्रदेशों से आने वाले पर्यटकों के लिए पर्यटन आवास गृह होंगे और उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना प्रस्ताव दिया है कि उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए यहाँ पर एक पर्यटन आवास गृह बनाए, इसके लिए मैंने पहले प्रस्ताव भेजा है। मुझे प्रसन्नता है कि वाराणसी से जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की संसदीय क्षेत्र है, वहाँ से बड़ी मात्रा में श्रद्धालुजन और सरदार साहब के अनुयायी 31 अक्टूबर को जब सरदार साहब का 137वां जन्म जयंती का कार्यक्रम और स्टैचू को राष्ट्र को समर्पित करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पधारे थे, तो वाराणसी से स्वयं बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए थे। ये प्रेरणादायी स्थल बन चुका है राष्ट्रीय एकात्मता के लिए, राष्ट्रीय एकता के लिए। हमें विश्वास है कि यह पर्यटन केंद्र पूरे देश को एक नई प्रेरणा देगा, राष्ट्रीय एकता और अखंडता की प्रेरणा का एक नया तीर्थ स्थल
के रूप में यह विकसित होगा और हम लोग इसके माध्यम से प्रेरित होकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को पूरा करने में इस देश का हर नागरिक अपना योगदान देगा।